विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सरगर्मी तेज है। कांग्रेस और भाजपा के अलावा इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, हमर राज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे दल भी अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। माना जा रहा है कि ये छोटी छोटी पार्टियां इस बार के चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती हैं। चुनाव से पहले बहुत से असंतुष्ट नेता भी कांग्रेस और भाजपा का दामन छोड़ इन पार्टियों में चले गए हैं, तो कई निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग नेताओं का प्रवेश हुआ है। इनमें सरायपाली के विधायक किस्मत लाल नंद, रायगढ़ के पूर्व महापौर मधु किन्नर, गोरेलाल बर्मन जैसे अनेक नाम शामिल हैं। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि इन नेताओं के प्रवेश से जेसीसीजे में मजबूती आई है और आगामी चुनाव में इसी विश्वास के साथ वे उतरने वाले हैं। कांग्रेस और भाजपा ने ठगा लिया, अब लोग दिल्ली के नेता वाली सरकार में छत्तीसगढ़ के बेटा की सरकार चाह रहे हैं। ये दोनों जब दल हमारे छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो उनका अपना कमीशन दिखता है, मिशन और विजन समझ में नहीं आता। अभी 3 महीने पहले तक जो लोग ये मान रहे थे कि जोगी जी के स्वर्गवास के बाद हमारी पार्टी अनाथ हो गई, हम कमजोर हो गए, जो हमें कम आंकड़े थे उन्होंने देख लिया पिछले 2 महीने में, जिस प्रकार से जगह जगह पाटन से लेकर पटनम तक, कोटा से लेकर कोंटा तक, बलरामपुर से लेकर बीजापुर तक हमारे को जो जन समर्थन मिला है, जैसे लोग मेरे पिताजी को देखने सुनने आते थे, उनको प्यार करते थे, वैसे ही प्यार उनके बेटे को मिल रहा है। और आज हमारे पास भले सत्ता ना हो, भले पैसा ना हो, पर उन दोनों से बड़ी ताकत जनता का।